श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आसान आसान से उपाय बताने वाले हैं जो कि दुख दर्द परेशानियों को दूर करेंगे, मनोकामना पूर्ति के लिए हैं। और ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। सावन महीना शुरू हो गया है तो पूरे सावन का जब आपको समय मिले तब करिए। साथ ही सोमवार के दिन अष्टमी तिथि, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष के दिन इस उपाय का विशेष महत्व होता है। आते हैं सबसे पहले अपने सबसे पहले उपाय पर आ जाते हैं। ये उपाय करना क्यों है आपको? अगर देखिए आपकी कोई इच्छा मनोकामना है, बहुत दिन से अधूरी है, मतलब ऐसा हो गया है कि आपने कई व्रत रख लिए, पूजा पाठ रख लिया, बहुत कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरह से आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो एक बार ये उपाय करके भी ज़रूर देखिएगा। आपको लेना होगा पीला चंदन, ठीक है? पीला चंदन जो आता है पाउडर वाला, वो पीला चंदन आपको लेना होगा। थोड़ा सा पाउडर को में थोड़ा सा पानी मिला करके आपको उसको पेस्ट जैसा बना लेना है, थोड़ा सा चंदन। एक दीपक लेना है मिट्टी का, जो कि खाली होना चाहिए, खाली दिया आता है तो वो खाली दिया ही आपको लेकर के रखना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक बेलपत्र, जो कि कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। जो कटी फटी बेलपत्र है वो कभी भी नहीं चढ़ाई जाती है, तो आपको सुंदर सी एक, बस एक ही आपको बेलपत्र चाहिए होगी। उसके बाद आपको लेना होगा मिश्री, जो प्रसाद वगैरह में हम चढ़ाते हैं, मीठी होती है, बड़े बड़े चीनी के दानों के जैसी होती है, वो वाली मिश्री आपको लेनी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होते हैं। इसके साथ ही साथ आपको इलायची लेनी होगी, दो हरी इलायची भरी हुई, ठीक है? दो इलायची हरी हरी आप ले लीजिएगा। तांबे के लोटे में एक लोटा जल, इतनी सामग्री कुल मिलाकर के आपको चाहिए होगी। और ये सामग्री लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। सबसे पहले तो जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइएगा, और एक लोटा जल जो आप लेकर के गए हैं वो शिवलिंग के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ा देना है। बस पहले, सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद आपने जो पीला चंदन लिया है गीला वाला, उससे आपको ले करके शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण करना है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ओम का निर्माण शिवलिंग के ऊपर करना है। अपनी मनोकामना, जो भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वो मनोकामना मन ही मन कहते हुए शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण कर देना है। अब जो एक दिया आपने लिया है, उस दिए में आपको रखना है बेलपत्र, और जो मिश्री ली है वो मिश्री भी उसी में रखनी है। साथ ही साथ जो इलायची लिया है दो, वो इलायची भी उसी में लगाना है। उसका आपको भोग लगाना है, शिवलिंग के पास ही उसको आपको भोग लगा देना है, भगवान भोलेनाथ को कि ये भोग हम दे रहे हैं, इसे स्वीकार करें प्रभु। और आपकी जो मनोकामना इच्छा है कि हम बहुत दिन से अपनी ये इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, प्रभु भोलेनाथ हमारी ये मनोकामना पूर्ण करिए, ऐसी आपको वहाँ पर प्रार्थना करनी है पूरे श्रद्धा से और पूरे मन से आपको। उसके बाद जो भोग आपने लगाया उसको वहीं पर रख देना, उसको वापस से लेकर के मत आइएगा, वो भोग वहीं छोड़ करके आपको दिए में वैसे ही शिवलिंग के पास ही रखा हुआ आपको वापस घर आ जाना है। एक बार पूरे सावन में या ऐसे भी आप मुख्य तिथियों पे ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा और आसान सा है। ये उपाय भी आपकी मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति के लिए ही है। मन में कोई दुख परेशानी है, कोई समस्या है, या फिर कोई और मनोकामना आप चाहते हैं पूरी करने के लिए, तो फिर आपको ये उपाय करना है। आपको लेना होगा 108 चावल के दाने। कितने? 108 होने चाहिए चावल के दाने, इसका आपको ध्यान रखना है। और आपको पूरे समूचे चावल जो आते हैं वैसे लेने हैं, खंडित चावल आपको नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको थोड़ा पीला चंदन लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा, एक चम्मच पीला चंदन ले लेना है। उसका पेस्ट जैसे आपको पिछले में बताया वैसी तरह से पेस्ट जैसा आपको बना लेना है, पानी से गीला, बहुत पतला पेस्ट नहीं, एकदम हल्का सा पानी डालना है बस। और एक लोटा जल भी ले लेना है, तांबे के लोटे में एक लोटा जल ले लीजिएगा, और उसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल भी मिला लेना है। और ये सारी सामग्री लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। ये उपाय आप अपने घर में, अगर आपने महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, चाहे मंदिर जाके करें या घर पे जाके करें। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने गंगा जल मिश्रित जल लिया हुआ है, वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ा देना है। उसके बाद आपने जो पीला चंदन लिया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा सा, उस चंदन को लेना है और शिवलिंग में एक जगह कहीं पर भी उसको पेस्ट को चिपका देना है। पूरे शिवलिंग पे मत लगाइएगा, ना तो त्रिपुर
त्रिकुंड बनाना है, ना कुछ और करना है, एक गोल एक तरह से उसको एक ही जगह पर ढेर सारा जो है ज़्यादा सा चावल थोड़ी सी ज़्यादा दूर में लगा करके चिपका देना है। उसके बाद जो अपने हाथ में आपको 108 चावल के दाने लेने हैं और वो चावल के दाने उसी चंदन के ऊपर आपको चिपका देना है। इसलिए बोला है पूरे शिवलिंग पे नहीं लपेटना है, थोड़ा सा दूर में बस उसको मोटा सा करके चिपका दीजिएगा और उसके बाद उसी पर आपने रख देना है चावल के दाने। और तब तक आपको शिवलिंग को टच रखना है, टच करके रखना है जब तक आप अपनी मनोकामना पूरी बात कह नहीं देते हैं। टच करे हुए ही शिवलिंग को आपको अपनी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी विस्तृत रूप से भगवान भोलेनाथ से आपको कह देनी है, उसके बाद अपना हाथ वहाँ से हटा लेना है। एक बार छोटा सा उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा, भोलेनाथ भगवान आपकी वो मनोकामना पूर्ण करके ही रहेंगे। आते हैं अपने तीसरे और अंतिम उपाय पर। ये उपाय करना है आपको किसी व्यक्ति को अगर क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा है और उसी के क्रोध की वजह से क्या होता है, घर में किटकिट लगी रहती है और नेगेटिविटी लगी रहती है, मतलब बहुत परेशानी होती है उसकी, लड़ाई झगड़ों की वजह से होते रहते हैं, उसके सिर्फ क्रोध की वजह से काम बिगड़ जाता है, तो फिर आपको सदस्य के लिए ये उपाय करना है। आपको लेने होंगे 5 लौंग, फूल वाली लौंग। पूजा पाठ में फूल वाली लौंग हमेशा प्रयोग में ली जाती है, तो आपको 5 लौंग लेनी है फूल वाली, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको लेना है पीला चंदन, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा आपको पीला चंदन लेना होगा, और साथ ही साथ तांबे के लोटे में 1 लोटा आपको जल लेना है। अब जो आपने 5 लौंग ली हुई है वो लौंग भी आपको उस तांबे के लोटे में ओम नमः शिवाय कहते हुए डाल देना है, और चंदन और ये तांबे के लोटे में जो आपने लौंग डाली है वो ले करके आपको चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। वहाँ पहुंचकर जो आपने पीला चंदन लिया हुआ है उस पीले चंदन में थोड़ा सा माँ पानी मिला करके पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद आपको जलाधारी के पास बीच में जो स्पेस होता है ना, जलाधारी जहाँ से जल बह के नीचे जाता है वो जो एरिया होता है, वहाँ पर आपको 5 बिंदियाँ लगानी है, मतलब शिवलिंग के कटी भाग से लेकर के जलाधारी जल नीचे गिरता है वहाँ तक के बीच में आपको 5 बिंदी लगानी है उसी पीले चंदन से, ठीक है। और जब आप बिंदी लगा रहे होते हैं तब आपको हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। हठ को दूर करने के लिए हाटकेश्वर, टा वाला टा रहेगा, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रार्थना करेंगे कि इस व्यक्ति का नाम बोलना, गोत्र बोलना, उसका हठ जो गुस्सा है वो शांत हो जाए, उसकी हठ दूर हो, इस तरह से प्रार्थना करनी है। उसके बाद जो आप लौंग वाला जल जो आपने लिया हुआ है वो लौंग मिश्रित जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ा देना है, फिर हाथ जोड़कर भोले बाबा से उस व्यक्ति के लिए गुस्सा शांत होने के लिए प्रार्थना करनी है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति का क्रोध धीरे धीरे कम होना, एक साथ ही कम नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों तक आप ये उपाय कम से कम करके ज़रूर देखिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।